कुंज तम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारणे सचिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। आकाशताड़कालिंगं पाताले हटकेश्वरं मृत्युलोके महाकालेश्वरं लिंगं त्रियो नमस्तुते नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मा दया रूपेणि संस्थिताम् नमस्तस्य 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 नमो नमः। सम्मानित मंच, परम सम्माननीय अनिल जी ओक साहब, रविंद्र जी और इस सभा मंडप में उपस्थित देवी स्वरूप माताएं बहनें, समस्त भक्तगण, मंच के इस ओर बैठे अतिथिगण, आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। आज कर्नाटक की इस पवित्र धरती पर मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। केशव जी और कृष्ण जी ने मुझे ये सूचना दी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के 350वें राज अभिषेक पर आपको आना है। उनका राज्य अभिषेक, मैं समझता हूँ कि 500 साल पहले ही हो चुका था जब उनकी माता की कोख से उन्होंने जन्म लिया था। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, राजस्थान में हमारे यहाँ एक कहावत है कि जननी जने तो संत जन के दाता के सूर, जननी जने तो संत जन के दाता के सूर, और नहीं तो रही यो बांझड़ी मति गमावे नूर। माता को ऐसे पुत्र को जन्म देना चाहिए जो पुत्र छत्रपति शिवाजी जैसे हों, महाराणा प्रताप जैसे हों, स्वामी विवेकानंद जी जैसे हों, और इस राष्ट्र की अनंत परंपराओं में जीने वाले जो बड़े महापुरुष हुए हैं उन जैसे हों। और नहीं तो उस माता को कसम खा लेना चाहिए कि मुझे बच्चों को जन्म देना ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो राष्ट्र है वो राष्ट्र जो है ऋषि मुनियों का राष्ट्र है, सूरवीरों का राष्ट्र है, देवी देवताओं का राष्ट्र है, भक्तों का राष्ट्र है, और यहाँ निरंतर भक्ति धाराएं बहती रहती हैं, निरंतर सूरवीरों की गाथाएं निरंतर चलती रहती हैं। और ऐसे समय में एक समय वो भी था जो समय को छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा है, महाराणा प्रताप ने देखा है, इस राष्ट्र के अनेकों सूरवीरों ने देखा है और देख करके उसका मुकाबला किया है। उस समय भारतीय सनातन परंपरा में साधन नहीं थे, उस टाइम साधना थी, और साधना के जरिए उन्होंने उन अंग्रेजों को खदेड़ दिया और भारत को आंच नहीं आने दी।
निरंतर वो संघर्षशील रह करके अपने मानवीय जीवन को भी सार्थक किया और इस भारत के भाल को कभी ऊंचे से नीचे नहीं होने दिया। लेकिन आज बड़ा दुख होता है कि इस भारत में अनेकों साधन होने के बाद भी इस भारत की युवा पीढ़ी पटरी से उतर चुकी है। उस युवा पीढ़ी को ये भी मालूम नहीं है कि हम इस देश के युवा हैं और इस देश का खून हमारे शरीर में है, हमारे पूर्वजों ने क्या किया है। इस देश में हमको सनातन धर्म की जय बोलते बोलते पीढ़ियां गुजर गई। विश्व का कल्याण हो, भारत में शांति हो, विश्व में शांति हो, निरंतर कहते रहते हैं। और आज के इस परिवेश में संपूर्ण राष्ट्र के संत महात्माओं के साथ में ये संत महात्मा जो सफेद बोझधारी यहाँ बैठे हैं, ये पूरा संघ परिवार कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक निरंतर भ्रमणशील होकर के समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करते रहते हैं। और केवल एक सूत्र में बांधने का नहीं, सामाजिक समरसता के भाव में भी। इस देश में महात्मा बालेश्वर जी, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज, भक्त कनक दास जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब अंबेडकर और संगोल्डी रायन्ना, महारानी कित्तूर चन्नम्मा, भक्त कण्णप, माता सबरी, टंटिया भील और कोटिया भील, रानी कमलावती, इधर देखें तो संत कबीर दास जी, संत रैदास जी और सैन जी महाराज, ऐसे अनेकों संत ने, मातंग ऋषि जी महाराज, सुदर्शन ऋषि जी महाराज, ऐसे कितने ही संतों ने इस देश की पवित्र सभ्यता को, पवित्र संस्कार को, पवित्र मर्यादा को सामाजिक समरसता के साथ ला करके आज तक इस पवित्र भूमि को यहाँ तक ला करके खड़ा किया है। अब जो है विषय ये आता है कि अब हमको क्या करना है। शिवाजी महाराज ने किया है, उन्होंने किया था तभी तो हम आज आज़ाद हैं, लेकिन हमको क्या करना है। अगर हम उस लकीर को पीटते रहेंगे कि अंबेडकर जी ने ये किया है, वाल्मीकि जी ने किया है, छत्रपति शिवाजी ने किया है, तो महाजनों ये ने गतासो पंथा, वो तो ठीक है, हमको रास्ता बताया है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक युग में, इस साधन संपन्न युग में हमको क्या करना है, उस ओर हमको देख करके अपने मानवीय जीवन को भी सार्थक करना है और भारत के भाल को भी ऊंचा करना है। आप सब लोगों को ये बात निरंतर अपने परिवार के, अपने बस्ती के, गली मोहल्लों के सब लोगों को ये संस्कार देना बहुत जरूरी है कि हमको उस पाश्चात्य सभ्यता को दूर हटा करके हमारी सनातन ऋषि मुनियों की परंपरा जो है निरंतर जो इस देश में कायम है, जीवित है, उसी पौधे में हमको जल डाल करके उस पौधे को वट वृक्ष की ओर ले जाना है। कारण यह है कि इस देश में अब सनातन परंपरा की जय जयकार हो रही है। अब तो 14 वर्ष का वनवास भी पूर्ण हो गया, अब तो राम जी भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। और ऐसे समय में अगर हम राम राज्य की कल्पना करते करते हजारों साल बीत गए, वो हजार साल की एक समस्या थी और उस पर 500 साल संघर्ष हुआ, और संघर्ष के बाद माननीय मोदी जी ने और इस देश के हजारों हजारों साधु संतों ने 22 जनवरी को रामलला को वहाँ बिठा करके आपको और हम सबको आज़ाद कर दिया। और ये आज़ाद इसलिए किया है कि घर घर दीप जले और वो दीप की रोशनी जो है पूरे दुनिया में पहुँचे कि भारत जो है सनातन ऋषि मुनियों की परंपरा का राष्ट्र है, यहाँ सत्य धर्म और अहिंसा पर चलना जरूरी है, यहाँ संस्कारित होना जरूरी है, यहाँ मन वचन कर्म से संकल्प लेना जरूरी है। तो आज के इस पवित्र प्रसंग पर भगवान की कृपा से छत्रपति शिवाजी महाराज का अभिषेक का 350वां दिन है और 391वां वर्ष जब आए तो हम सब लोगों को ये लगे
कि बिल्कुल संस्कारित मर्यादित सनातन धर्म की मर्यादा का युग चालू हो गया है और हम सब लोग मिलकर के अपने घर परिवार बालक बालिकाओं को सबको लेकर के सनातन धर्म की ध्वजा को कभी आँच ना आए और हमारा राष्ट्र जो अभी कहीं हल्का सा किंचित स्थिति में है, हल्का सा कहीं विचलित हो रहा है, तो वो इसलिए हो रहा है कि पाश्चात्य सभ्यता हमारे इस प्रदेश में देश में और पूरे इस माहौल में कहीं जहर घोलने के लिए खड़ी हो गई है। तो उस पाश्चात्य सभ्यता को नकार करके ऋषि मुनियों की जो परंपरा है, ऋषि मुनियों की जो मर्यादा है, हमारा क्षेत्र मर्यादा और संस्कार का है, उसको आप सब लोग आत्मसात करके अपने बालक और बालिकाओं को सनातन धर्म की परंपरा से जोड़ने का पूरा पूरा प्रयास करें। आप सब लोगों के जीवन की मंगल कामना करता हूं और राज्य अभिषेक के इस पवित्र प्रसंग पर सब लोगों को आशीर्वाद देना चाहता हूं। आप सब लोगों को प्रणाम, ओम शांति।